रेलवे ट्रैक पर हाथियों के एक्सीडेंट की खबरें देश भर से आती रहती है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत होने के बाद अब भारतीय रेल ने एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने एक नई तकनीकी विकसित की है जिसकी मदद से अब हाथियों की जान आसानी से बचाई जाएगी। रेलवे ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है। हाथियों की मौत पर रोक लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल बेस्ड सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को रेलवे ने गजराज नाम दिया है। रेलवे ने इस AI सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का भी काम शुरू कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह गजराज सिस्टम ठीक उसी तरह से काम करेगा जैसे कवच सिस्टम काम करता है। भारत में कई जगह ऐसी है जहां पर हाथियों की आबादी काफी ज्यादा है। हाथियों के झुंड झारखंड के बोकारो, रामगढ़, रांची, चाईबासा समेत अन्य जगहों से गुजरती है। ऐसी जगहों से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर कई बार हाथी भी पहुंच जाते हैं। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक करीब 20 हाथियों की हर साल रेलवे ट्रैक पर एक्सीडेंट से मौत हो जाती है।